This lecture regarding ethical considerations in social science research is in Urdu for my Urdu audience. तो रिसर्च में एथिकल कंसिड्रेशंस या उसूली रिसर्च के अख्लाकी ज़ाबते वो कौन से ऐसे ज़ाबते हैं जो हमें रिसर्च सोशल साइंस रिसर्च के अंदर जिन पे अमल करना चाहिए ताकि हमारी रिसर्च का प्रोसेस जो है वो अख्लाकी ज़ाबतों के मुताबिक हो या वो एथिकल रिसर्च हो, तो इस पे हम मुख्तसर सी बात करेंगे। तो सबसे पहले रिसर्च का जो प्रोसेस है वो उस वक्त एथिकल होता है या वो अखलाकी ज़ाब्तों पर मबनी होता है जब हम कुछ उसूल और कुछ पाबंदियों को सामने रख के रिसर्च कर ले या तहकीक का प्रोसेस कर ले। और इसका मकसद ये होता है कि हम रिसर्च को एक इल्म हासिल करने का हकीकी और दुरुस्त तरीके के तौर पर उस पे अमल करें, उसको समझें और रिसर्च या तहकीक को जेन्युइन इल्म का एक ज़रिया बनाएं। तो अब रिसर्च के चंद एथिकल कंसिड्रेशंस या अखलाकी ज़ाबते हैं जिनके ऊपर अमल करने से हमारी रिसर्च की जो ऑथेंटिसिटी है या उसकी जो ओरिजिनलिटी है या उसके अंदर जो एक दुरुस्तगी है वो बेहतर सामने आ सकती है। उनमें से सबसे पहले है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, उसके अलावा इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट एक दूसरा उसूल है, इसी तरह से एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है या जिसको हम कह सकते हैं गुमनामी, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट को आप कह सकते हैं कि जैसे जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपके रिसर्च में उनकी रज़ा शामिल होती है उस पार्टिसिपेशन, और वो रज़ा जो है वो इन्फॉर्म्ड होती है, यानी उनको पता होता है कि वो किस लिए इस रिसर्च का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा सेफ्टी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स या जो आपकी रिसर्च में हिस्सा लेने वाले हैं उनके सेफ्टी का, उनकी हिफाजत का ख्याल रखना, और उसके अलावा जेन्युइन रिपोर्टिंग। तो अब हम इनमें से हर एक के ऊपर मुख्तसर सी बात करेंगे। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन या रजामंदी से जो रिसर्च में हिस्सा लेने वाले हैं, जो रिसर्च में हिस्सादार होते हैं, जिनसे हम डेटा लेते हैं, उनकी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन या रजामंदी से उनका शामिल होना हमारी रिसर्च में ये एक अहम रिसर्च उसूल है या ये एक ज़ाबता है जिसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या वो लोग जो हमारे स्पेशली जो इंसानों के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, तो वो लोग जो हमारे रिसर्च में हिस्सा लेते हैं उनको पता होना चाहिए कि वो हमारी रिसर्च की क्या किस्म है और उनकी शराकत किस तरह की होगी और किस नेचर की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या उनको इंटरव्यू देना होगा या उनको ऑब्ज़र्व किया जाएगा, उनका मुशाहिदा किया जाएगा या उनके ऊपर कोई तजर्बा किया जाएगा, ये उनको पता होना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है या अहम उसूल ये है कि किसी को ज़ोर से किसी प्रेशर के तहत रिसर्च में हिस्सा लेने पे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा ये है कि रिसर्चर्स या पार्टिसिपेंट्स जो है उनके पोजीशन से उनके ऊपर पार्टिसिपेंट्स के पार्टिसिपेशन के ऊपर कोई असर, यानी उसका इम्पैक्ट पार्टिसिपेंट के पार्टिसिपेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ केसेस में ये होता है कि रिसर्चर एक पावर पोजीशन में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है या वो एक टीचर है या वो एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, और उस वजह से उसके रिसर्च में कोई लोग शिरकत करते हैं या वो किसी तरह का रिस्पांस देते हैं, तो ये एक इस तरह की चीज़ है जो रिसर्च के की जो ओरिजिनलिटी है या जो उसका जेन्युइननेस है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। उसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो हमारे रिसर्च में हिस्सा लेते हैं उनको पता होना चाहिए कि वो रिसर्च में उनका क्या हिस्सा होगा,
कब होगा, कब वो रिसर्च में हिस्सा लेंगे और कहाँ पे वो रिसर्च में हिस्सा लेंगे और उनका रिसर्च में हिस्सा लेने का जो तरीका है वो क्या होगा, इन सब के बारे में उनकी तरफ से रजामंदी होनी चाहिए। और लास्टली वॉलंटरी पार्टिसिपेशन या रजामंदी से हिस्सा लेने में जो आखिरी बात है वो ये है कि हम जिन से डेटा लेने की कोशिश करते हैं रिसर्च प्रोसेस में वो उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक हो। यानी बात अफा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहे हैं और उनको इंग्लिश में मुश्किल है, इस वजह से वो शायद सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उनसे इंग्लिश में इंटरव्यू लेने से लेना जो है ये रिसर्च के इस उसूल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम उनसे इस तरह का डेटा ले रहे हैं या इस अंदाज से ले रहे हैं जो उनके बस से बाहर है और वो शायद उसमें ईजी फील ना करे या वो उस तरीके से हमें जेन्युइन डेटा ना दे। अब दूसरा उसूल है इन्फॉर्म कॉन्सेंट। इन्फॉर्म कॉन्सेंट ये है कि जब हमारे साथ जो रिसर्च में शिरकत करने वाले लोग हैं जब वो हिस्सा लेते हैं तो उनको वाज़े तौर पर पता होना चाहिए कि उनकी शिरकत किस वजह से है, या वो हमारी रिसर्च के बारे में भी उनको मुकम्मल मालूमात पता हो कि ये रिसर्च का मकसद ये है, इसमें इनकी शिरकत ये है। इसके अलावा उनको रिसर्चर के बारे में भी पता हो कि रिसर्चर कौन है, क्या वो एक स्टूडेंट है, क्या वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, क्या वो एकेडमिक है, क्या वो एक जनरल रिसर्चर है, तो रिसर्चर कौन है ये भी उनको पता होना चाहिए इन्फॉर्म कॉन्सेंट के उसूल के तहत। और उसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनके शिरकत की वजह से कोई फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कोई जिस्मानी ज़हनी या माली किसी सूरत में उनके लिए रिसर्च में हिस्सा लेने से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये भी उनको शुरू में पता होना चाहिए। तो इन्फॉर्म कॉन्सेंट का मकसद ये होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हैं उसूल या ज़ाबता वो ये है एनानिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एनानिमिटी का मकसद ये है कि कई रिसर्च ऐसे होते हैं जिसमें ये ज़रूरी होता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गुमनाम रखा जाए, यानी उनका नाम जो है रिसर्च रिपोर्ट में शामिल ना किया जाए, तो एनानिमिटी को आप गुमनामी कह सकते हैं। जनरली जो गुमनामी वाली सूरत हाल होती है या एनानिमिटी जो होती है वो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है या जो जिन लोगों से हम डेटा लेते हैं उनका इनकी उनकी अपनी जो ज़ाती शनाख्त है वो रिसर्चर को भी पता नहीं होती और वो उस रिसर्च से निकलने वाले रिपोर्ट के शक्ल में भी उनकी वो शनाख्त सामने नहीं आती। तो एनानिमिटी जनरली पॉसिबल होती है कि जब हम कोई क्वांटिटेटिव सर्वे कर रहे होते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एज अ रिसर्चर तो फिर तो आपको पता होता है कि कौन कौन है और उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या नाम है वगैरह। तो एनानिमिटी जनरली उसमें होती है जब हम क्वांटिटेटिव सर्वे जैसे हम क्वेश्चनायर के ज़रिए से करते हैं बड़े पैमाने पर, जिसमें अक्सर रिसर्चर खुद नहीं करता, वो डेटा कलेक्शन उसमें दूसरे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उस सूरत में एनानिमिटी या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी गुमनामी वाला उसूल जो है वो चल सकता है। दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि रिसर्चर को पता होता है कि किसने उसकी रिसर्च में शिरकत की है, उनका नाम वगैरह पता होता है, उनके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या ज़्यादा मालूमात जो है वो रिसर्चर को पता होता है, लेकिन रिसर्चर ये इंश्योर करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो शिरकत करने वाले हैं रिसर्च में उनके ज़ाती मालूमात वो किसी और के साथ शेयर ना करें। तो उस सूरत में एक तरीका जैसे ये है कि रिसर्चर को पता होता है कि रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम क्या है या उनकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन वो उनके नाम के बजाय कोई फ़र्जी नाम उनको दे देते हैं या कोई कोड्स दे देते हैं, तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एनानिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना ये भी एक उसूल है, एक ज़ाब्ते के तहत जो हम रिसर्च करते हैं उसमें, और एनानिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का फ़र्क मैंने बता दिया। लास्टली जो है
लास्टली से थोड़ा सा पहले, वो ये है कि सेफ्टी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, या जो रिसर्च में शिरकत करने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, हिस्सा लेने वाले जो हैं, उनको उनकी सेफ्टी या उनका तहफ़ ये भी रिसर्च के अखलाकी उसूलों में से एक अहम उसूल है। तो जो रिसर्चर है उसको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो लोग उसकी रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं उनकी जिस्मानी, उनकी मुआशरती, उनकी मुआशी और उनकी साइकोलॉजिकल, या आप यूँ कहें कि उनकी ज़हनी जो हिफाजत है वो उसकी ज़िम्मेदारी है। किसी तरीके से रिसर्च के पार्टिसिपेंट को रिसर्च के दौरान कोई जिस्मानी, कोई मुआशरती, कोई मुआशी या कोई नफ्सियाती किस्म का कोई मुश्किल सामने नहीं आना चाहिए, और अगर इसका कोई ख़तरा हो तो पहले से इसका जो रिसर्चर है उनको, पार्टिसिपेंट को पहले से ये बताना चाहिए, और हर सूरत में उनकी सेफ्टी जो है या उनके तहफ़ उनकी हिफाजत वो जो है यकीनी बनाना, ये एक अखलाकी उसूल है रिसर्च के लिए। लास्ट ये है कि जो उसूली रिसर्च है या रिसर्च के जो उसूल हैं, अखलाकी रिसर्च के जो उसूल हैं, उनमें से एक है जेन्युइन रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, या जो रिसर्च का प्रोसेस है उसको दुरुस्त तरीके से, रिसर्च का प्रोसेस या अमल और रिसर्च का जो रिज़ल्ट निकलता है उन दोनों को सही तरीके से, जिस तरीके से वो हैं उसी तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट में, जैसे थीसिस के फॉर्म में या रिसर्च पेपर के फॉर्म में, यानी उसमें किसी तरह का झूठ शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरीके से डेटा को मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, उसमें से किसी तरीके से जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। तो रिपोर्ट के अंदर आपकी रिसर्च के एम्स या मकासद क्लियरली प्रेजेंट करने चाहिए, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के प्रोसेस को क्लियरली प्रेजेंट करना चाहिए साफ़ सुथरे तरीके से और दुरुस्त तरीके से। रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वही प्रेजेंट करने चाहिए, अपनी तरफ से रिजल्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। रिसर्च के इम्प्लिकेशंस भी क्लियरली प्रेजेंट करने चाहिए, और उसके अलावा आपकी रिसर्च के अगर कोई कोई खामियां है, कोई कमज़ोरियां हैं रिसर्च के प्रोसेस में या उसके रिज़ल्ट के में या उसकी जनरलाइजेशन में, तो वो भी हमें क्लियरली बतानी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं जेन्युइन रिपोर्टिंग, या दुरुस्त तरीके से अपने रिसर्च को आगे लोगों तक पहुंचाना तहरीरी फॉर्म में, जो कि थीसिस के फॉर्म में होता है या रिसर्च पेपर के फॉर्म में होता है। ये चंद बुक्स हैं, सोर्सेज हैं, जिनको आप इन कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद समझने के लिए रीड कर सकते हैं। थैंक यू।